नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब चिकित्सा मंत्री गजन सिंह खींसर के बेटे धनंजय सिंह आरसीए के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर इस्तीफा दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 29 जिला सचिव के हस्ताक्षर होने की जानकारी मिल रही है। वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में धनंजय सिंह की ही अहम भूमिका सामने आ रही है। वैभव गहलोत ने कहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वे क्रिकेट हित में हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने आरसीए की बेहतरीन के लिए हमेशा काम किया है। बता दें कि 22 फरवरी को आरसीए और खेल परिषद के बीच का एमओयू समाप्त होने पर 23 फरवरी को खेल परिषद ने एसएमएस स्टेडियम से आरसीए को बेदखल कर दिया, आरसीए के ऑफिस को सील कर दिया गया। साथ ही एसएमएस स्टेडियम के हिस्से से आरसीए का कब्जा भी हटा दिया। साथ ही आरसीए की ओर से संचालित होटल भी छीन ली गई। इस कार्रवाई के दौरान आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत, उनकी पत्नी और बेटी भी आरसीए दफ्तर में मौजूद थे। खेल परिषद की कार्रवाई के दौरान तीनों को दफ्तर छोड़कर घर लौटना पड़ा था। इसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खेल परिषद की इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि अगर एमओयू समाप्त होने की वजह थी तब भी ये यकायक तालेबंदी के बजाय कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। गहलोत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से राजस्थान के खेल संघों पर राष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा कम होगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।